हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। जियो थर्मल एनर्जी को बोलते हैं क्या, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। और ये अर्थ कोर के अंदर पाई जाती है। अर्थ कोर के अंदर से ये क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक, अर्थ अर्थ जो अर्थ में क्या तीन लेयर होती है, कौन कौन सी होती है। पहले होती है इनर लेयर, जो येलो से दिख रही है होती है इनर लेयर, ऑरेंज से दिख रही है आउटर लेयर होती है, और रेड लेयर को बोलते हैं क्या है, मेंटल रेयर भी लेयर भी बोलते हैं। अब ये क्या क्यों बोलते हैं वो देखते हैं कि जो हीट टेम्परेचर होता है जो कोर के अंदर, वो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसी कारण क्या होता है, जो हॉट जो रॉक्स होती है, कुछ जो रॉक्स होती है इसके अंदर, जो कुछ रॉक्स होती है वो क्या होती है, हीट की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हॉट ये कन्वर्ट हो जाती है हॉट मेल्टन रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और मेल्टन रॉक के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो कुछ रॉक जो होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, हॉट मेल्टन रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी हॉट मेल्टन रॉक क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक, मैग्मा बोलते हैं। अब क्या होता है, जब ये जो मैग्मा फॉर्म हो जाता था, जो हीट होती है, ठीक, जो रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, अपवर्ड ऊपर आने लगते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये ऊपर आने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो अर्थ क्रस्ट में, जो अर्थ जो होती है अर्थ क्रस्ट में, ठीक, देखिए अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहली रॉक और दूसरा वाटर। और ये टेम्परेचर पाए जाते हैं, रॉक और वाटर टेम्परेचर पाए जाते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पाए जाते हैं ये 370 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या हो जाता है, थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, कंटेन हो जाती है किसमें, रॉक के अंदर थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, कंटेन हो जाती है। ठीक, अब देखिए थर्मल एनर्जी कंटेन हो जाती है इसके अंदर और फ्लूइड के अंदर, इन दो चीजों के अंदर क्या हो जाता है, थर्मल एनर्जी कंटेन हो जाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, डीप जो अर्थ के जो पार्ट के अंदर, बहुत नीचे तक ही पाए जाते हैं। ठीक, इनका आप किलोमीटर में जोड़ लीजिए, कितना कुछ किलोमीटर के अंदर ये सब चीज पाए जाते हैं, यहीं से थर्मल एनर्जी निकलती है। जैसे ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से देखिए वाटर निकल रहा है, हॉट वाटर या आप कह लीजिए एयर निकल रही है, इसी के अंदर ये डीप होगा। ठीक, इसमें होल होगा, इसके अंदर बहुत सारा हीट कह लीजिए, रॉक कह लीजिए और मैग्मा कह लीजिए, यहाँ सब फॉर्म होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने, वो देखते हैं। देखिए आपको बताया यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए आप कि जब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या दो चीजें होती है, रॉक एंड वाटर। ठीक, 375 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे, और इसी रॉक के अंदर क्या पाया जाता है, थर्मल एनर्जी पाई जाती है इन रॉक के अंदर और फ्लूइड के अंदर। ठीक, अब वो कैसे निकलता है, और ये कितने अर्थ के, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के इन साइड में ही सर निकाला जाता है। ठीक, नीचे डिप करके निकाला जाता है। ठीक, इसके अंदर हम लोग ड्रिल करते हैं और तब हम लोग एनर्जी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है, ये हम इसको क्या कर रहे हैं, डीप कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग की वजह से एक पाइप डालेंगे, यहाँ से हम लोग हॉट स्टीम निकालेंगे। ठीक, जो हॉट स्टीम निकालने के बाद, तो हम लोग हॉट स्टीम का इस्तेमाल करते हैं टर्बाइन को चलाने में। ठीक, जब टर्बाइन चलेंगी ना, मान लीजिए आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर जब नाचता है, ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये हीट वाटर, जब हीट वाटर नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर से निकालेंगे, तो हम लोग उसको क्या इस्तेमाल करेंगे, टर्बाइन को नचाने में। ठीक, टर्बाइन को रोटेट करेंगे। ठीक, जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो क्या, ये जनरेटर को, जनरेटर भी मूव करेगा, तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टरबाइन से, टरबाइन जब नाचेंगे तो जनरेटर का भी ये निकलेगा, तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी होते हुए, टावर के होते हुए सब कहीं जाएंगे। ठीक, अब जो स्टीम, जो हॉट स्टीम थी, वो फिर क्या होगी, कन्वर्ट की जाएगी किसमें, कूलिंग टावर के अंदर। अब हॉट स्टीम है, इसको कन्वर्ट करके किसमें, जो वाटर होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होगा, जो हॉट वाटर को यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस की जाएगी। ठीक, इस पार्ट के अंदर यहाँ पे कूलिंग किया जाएगा इस वाटर को। ठीक, जो हॉट वाटर टर्बाइन से निकल के आएगा कूलिंग टावर के अंदर, यहाँ पे जो हॉट वाटर यहाँ से निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या किया जाएगा, कोल्ड किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा उस वाटर को। जो ठंडा करने के बाद उसको फिर से इंजेक्ट किया जाएगा ग्राउंड में, धरती पे, धरती के अंदर फिर से उसको ड्रिल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा अंदर, ड्रिलिंग के हेल्प से उसके बाद फिर से छोड़ दिया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू कर चलता रहता है कि हम लोग इसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहाँ से हॉट वाटर का सप्लाई कर देंगे, यहाँ फिर उसको टर्बाइन को, जो टर्बाइन चलाएंगे, चलाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसके बाद जो वाटर होगा, हॉट वाटर कन्वर्ट होकर वो जाएगा कूलिंग टावर के अंदर। ठीक, कूलिंग टावर में क्या होगा, उस वाटर को क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, कोल्ड किया जाएगा, उसके बाद उसी वाटर को दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाएगा इनसाइड अर्थ विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग। हम लोग पहले इसको ड्रिलिंग करेंगे, देन द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक, पाइप के हेल्प से हम इसको फिर से पानी नीचे छोड़ देंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू मूव करते हैं, इसी बोलते हैं जियो थर्मल पावर प्लांट। ठीक, इसी तरह ये पावर प्लांट काम करता है। ठीक,